हम वो पांच चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए टिक मार्क करना जरूरी है इन दंथ ऑफ अप्रिल ताकि आपके अगले आठ महीने दिखे इस लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट है टैकलिंग ऑल सेक्शन टूगेदर कैट एग्जाम में टोटल तीन सेक्शंस हैं वी ए आर सी डी आई एल आर और क्वॉन्ड अगर आप एक वीक में ये तीनों सेक्शंस पिकअप नहीं कर रहे हो देन दैट विल बी अ ब्लंडर गोइंग फॉरवर्ड अगर किसी की भी ऐसी स्ट्रेटजी है कि मैं पहले कौन पूरा कर लेता हूँ फिर मैं वी आर सी पिकअप करूंगा that will backfire for you. सही तरीका क्या है कि आप एक वीक में तीनों सेक्शंस को टेकअप करते हो अब वो आप मल्टीपल वेज में कर सकते हो जो मैं आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करती हूँ सबसे पहले आप एक ही दिन में तीनों सेक्शन को टेकअप करते हो ये वो लोग कर पाएंगे जो रिपीटर्स है यानी कि वो इस एग्जाम को दोबारा से लिख रहे हैं उनके लिए ये कर पाना पॉसिबल

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो छे महीने में अच्छे से कवर किया जा सकता है लेकिन उन छे महीनों में हर वीक में आपको कितने चैप्टर्स करने हैं और कौन से चैप्टर्स करने हैं अगर आपके पास उसका एक वीकली प्लानर होगा तो यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस अब आपके लिए मैंने एक ऐसा वीकली प्लानर डिजाइन किया है लेकिन उसको मैंने कैसे बनाया है वो बताना भी काफी जरूरी है ताकि अगर आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो तो so, उस प्लानर को बनाने के लिए मैंने एक बुक का इस्तेमाल किया है जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है विच इज ओसवाल बुक्स उनकी एक बुक काफी आती है विच इज कॉल्ड कैट फिफ्टीन मॉक टेस्ट पेपर्स इस बुक को आप जैसे ही ओपन करते हो सबसे पहले एक ट्रेंड एनालिसिस आता है जिसमें ये मैंशनड है कि कॉन्ट सेक्शन के अंदर अलग अलग टॉपिक्स की कितनी वेटेज रही है ओवर द मेनी ईयर्स ऑफ द कैट एग्जाम अगर आप इस ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान से देखोगे यूल रियलाइज की अरिथमेटिक और एल्जेब्रा इन दो टॉपिक्स की इंडिविजुअल वेटेज ही इतनी ज्यादा है इन दिस सेक्शन की इनको अच्छे से कवर करना इज योर नंबर वन प्रियोरिटी सो वो जो प्लानर मैंने बनाया है उसमें मैंने अरिथमेटिक और एल्जेब्रा पहले रखा है ताकि आप उसको पहले कवर करो लेकिन वो प्लानर दिखाने से पहले लेट मी ऑल्सो शेयर कि इस बुक के अंदर और क्या चीजें अवेलेबल हैं। So, ये जो ट्रेंड एनालिसिस है इसी के बेसिस पे इस बुक में 15 ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो कि कैट के पैटर्न पे ही बेस्ड है, like है, से से है काफी बार हम ये सोचते हैं ना कि हमने तो सिर्फ ज्योमेट्री कम्पलीट किया है तो हम पूरा मॉक कैसे देंगे वेल well, इस बुक को यूज करके आप सिर्फ ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन टेकअप कर सकते हो एंड देन उनके सोल्यूशन भी चेक कर सकते हो अगर आप ये बुक चेकआउट करना चाहते हो या ओसवाल बुक्स की बाकी बुक्स देखना चाहते हो तो उसका लिंक पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा

कि VARC में दो ही मेजर स्किल्स होते हैं रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आप फिर भी टाइम के साथ इंप्रूव कर सकते हो लेकिन कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने सही से शुरू नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा आपको उसको करेक्ट करना आज मैं आपको कॉम्प्रिहेंड करने की एक ऐसी टेक्निक बताती हूँ जो कि वाइडली यूटिलाइज है इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, लेकिन उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना अभी से सीखना जरूरी है दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब चार ऑप्शन दिए होते हैं तो हम उन चार ऑप्शन में से ये ढूंढने की बजाय कौन सा सही है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा गलत है एंड फिर उन तीन ऑप्शन को इलिमिनेट करने के बाद हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है लेकिन जो चीज़ मैं आपको अब बताने जा रही हूं उससे मेजर डिफरेंस आएगा आपकी पर्सन में जब आप किसी भी आरसी के क्वेश्चन को देखते हो जहां चार ऑप्शन है, है कि कौन सा ऑप्शन गलत है ये इंपॉर्टेंट है कि वो ऑप्शन गलत क्यों है जो टेक्निक मैंने फॉलो की थी अपनी प्रिपरेशन में एंड जिसके कारण मेरे बी में मार्क्स अच्छे आए थे दैट वॉज कि मैंने ये सोचने की कोशिश की कि वो ऑप्शन गलत क्यों है किस वर्ड की वजह से वो ऑप्शन गलत है मैं आपको तीन एग्जांपल्स देती हूँ बलून इज रेड इन कलर अब अगर तो मुझे पता है की ऑप्शन गलत है तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि मैं उसके सामने लिखूं कि ये ऑप्शन गलत क्यों है क्या पैसेज में ये लिखा था दैट द बलून इज ग्रीन इन कलर विच मीन्स ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है या फिर के ये लाइन पूरे पैसेज में कहीं ना तो गिवन है ना इम्प्लाइड है विच मीन्स दैट दिस इज नॉट देयर इन दी पैसेज यह हो सकता है कि पैसेज में लिखा हो दैट द बलून मे बी रेड इन कलर इन विच केस ये एक एक्सट्रीम ऑप्शन है कि हमने डिसाइड ही कर लिया कि वो रेड है राधर देन मे बी इस एक एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि चाहे ऑप्शन तीनों केसेस में गलत ही था लेकिन उसके गलत होने का कारण डिफरेंट था जब आप प्रैक्टिस करते हो अगर आप कारण सही ढूंढने की कोशिश करोगे कि वो ऑप्शन गलत क्यों है तो आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ता जाएगा कैट एग्जाम में गलत ऑप्शन को इलिमिनेट करते समय कारण नहीं पूछा जाता लेकिन आप जितना इस चीज की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मास्टरी बढ़ती जाएगी आरसीज में आप कभी भी गलत ऑप्शन को करते समय डरोगे नहीं और सही ऑप्शन तक जल्दी पहुंचोगे इस टेक्निक की आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस शुरू करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आरसी सॉल्व करने पर फोकस करते हैं लेकिन अगर आप एक आरसी भी ढंग से सोल्व करोगे ना वो आपको ज्यादा रिटर्न देके जाएगा सो ट्राई इट आउट अभी से स्टार्ट

प्लीज अपने मॉक टेकिंग को डिले मत करना चाहे आप अगले तीन महीने के लिए एक मॉक ही क्यों ना लो एवरी मंथ इट विल हेल्प यू गेट यूज टू द पैटर्न एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चाहे आप फ्री मॉक्स लो चाहे आप बुक में गिवन मॉक्स मॉक्स लो आपके लिए लेने जरूरी है two, इस के बारे में मैंने बहुत बार इस चैनल पे किया है कि आपको अपने फॉर्मूलाज को एक बुक में नोट डाउन करना है विच इज कॉल्ड दूला बुक अगर आप खुद की फार्मूला बुक नहीं बनाना चाहते आर फॉर्मुला बुक्स विच आर अवेलेबल जिनको मैं लिस्ट डाउन भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट

Much as possible, along with your cat preparation. I hope this video helps you guys. Thank you so much for watching it.